मैं सिंह साहब से सवाल पूछूं उसके पहले मैं आशीष को जोड़ना चाहता हूं। आशीष मेरे कलीग हैं और सीमा के भाई हैं, राखी भी सीमा ने बांधी है। आशीष, आप सीमा से कुछ कहना चाहते हैं? सीमा जी और एपी सिंह साहब से मेरा दोनों से एक एक सवाल है। आज मैं सुबह जब आया तो मुझे सीमा ने घर बुलाया, अंदर मैं बाहर खड़ा था, बुलाया अंदर और राखी बांध दी। और चूंकि एक अजीब सा कनेक्शन हो चुका है मेरे और सीमा जी और सचिन के बीच में, इस परिवार के बीच में, क्योंकि मैं लगातार यहाँ से खबरें कवरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, लगातार इस मामले को लेकर पहले दिन से लगातार मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। सीमा जी, मेरा एक सवाल है, जो अमित जानी जी ने आपको फिल्म ऑफर की थी, फिल्म जो ऑफर की थी, फिल्म वाली बात कर रहा हूँ मैं, फिल्म जो ऑफर की थी, आपने उसको मना कर दिया है क्या? उन्होंने जबरदस्ती आपसे बुलवाया था? एक बार आप फिर से इंडिया न्यूज़ के कैमरे पर क्लियर कर दीजिए। सर, मैं बताना चाहूंगी, जब वो आए थे मैं उनको जानती नहीं थी। उन्होंने एपी सर का नाम लिया, एपी सर वकील का नाम लिया कि उन्होंने हमें भेजा है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे उनके साथ में, तो हमारे छोटे पापा उनको ले आए थे। एपी सर का ही नाम लेकर वो आए थे, एपी सर ने हमें भेजा है। तो हमने सोचा कि शायद, मतलब बहुत लोग आते हैं हमारे पास, हमारे सर पे हाथ रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमें, मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई डायरेक्टर है या फिल्म वाला है कोई, क्योंकि मैंने कभी उनको देखा ही नहीं था, मेरे पे पहली बार उनको देख रही थी। तो और दूसरी बात, ना मैंने साइन करी, ना मैंने हामी भरी, वो उनको हमने इज्जत दी, घर बिठाया, क्योंकि उन्होंने सर का नाम लिया, एपी सर का, क्योंकि हमारे वकील ही हमारे सब कुछ हैं, उन्हीं का उन्होंने नाम लिया। तो हमने उनकी बहुत इज्जत करी, उनकी उन्होंने छोटी क्लिप भी बनाई, वीडियो बनाई, मुझे कहा कि आप ऐसे ऐसे बोलो, मैं आप कैसे वीडियो बनाऊंगा एपी सर के ही नाम से। हालांकि हमारी सर से बात कम होती है, कभी कभी होती है कि हम पे फोन नहीं रहता था, तो किसी के फोन से हम कभी कभी बात करते थे सर से, हमें पता नहीं था कि एपी सर ने भेजा ना भेजा, ये तो बाद में पता पड़ेगा, एपी सर को तो पता ही नहीं इन चीजों का। तो उन्हीं के ही धोखे से उन्होंने मेरी छोटी वीडियो बनाई और एपी सर के नाम से आया, और ना मैंने साइन करा, ना मैंने हामी भरी कि हाँ मैं ऐसे फिल्म करूंगी, क्योंकि अभी ना क्लीन चिट मिली है ना नागरिकता, पहले मेरे ये चीजें जरूरी है सर। सीमा, आशीष, आशीष को सर कह रहे हैं तो मुझे चुप रहा है। आशीष तो भाई हैं आपके, अब तो उनको भैया ही बोलिए। दूसरा ये कि राखी ने बंधवाई तो कुछ शगुन दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया सर। राणा सर मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। जो अमित जानी जी हैं वो कह रहे थे कि मैं 50,000 रुपए भी दे के आया हूँ फिल्म साइन कराने के एवज में, क्या ये बात सही है? क्योंकि कल मैंने उनसे सीधा पूछा था अमित जानी जी से, कुछ नहीं दिया उन्होंने, झूठ कह रहे हैं। अमित जानी जी ये बोल रहे थे कि जी कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। सिंह साहब, इस बारे में आप कुछ कहिए। ये फिल्म बननी शुरू हो गई, फिल्म की एक तस्वीर भी सामने आ गई, दुख होता है हमें, यही ऐसी बातें होती हैं, कहीं कोई फिल्म की बात करने लगता है, कहीं कोई टिकट, राजनीतिक दल के टिकट की बात करने लगता है। सुबह एक पार्टी कहती है हम टिकट दे रहे हैं, चुनाव लड़ाएंगे, शाम को उसी पार्टी के मुखिया कहते हैं टिकट देंगे, पाकिस्तान का टिकट देंगे, सीमा को वहां भेजेंगे। इस तरह की बातें लोग करते हैं, इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। कुछ कुछ यूं किया सीमा के जख्मों का इलाज इस देश के लोगों ने भी, इस देश के प्रबुद्ध लोगों ने भी कुछ कुछ यूं किया सीमा के जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ये मुझे दुख है, ये नई नई साजिश, नया नया षड्यंत्र इस तरह से करके गुमराह करना, ना मेरे से बात हुई ना कोई चीज हुई, मेरे मोबाइल फोन पर उनका मोबाइल फोन नंबर दिखा दें, कभी कॉल हुई हो कभी, लेकिन वहां बता दिया, वहां कह दिया, वहां मेरा नाम लेके कह दिया कि इनके द्वारा। ये सोचो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है, और ये ऐसे लोग ये चाहते हैं कि सीमा डिपोर्ट हो जाए, सीमा चली जाए। ये लोग इस तरह आस्तीन के सांप जैसे होते हैं, उसी तरह है, बने रहते हैं वही सिस्टम में और ऐसा कर देते हैं, और ये दुखद है, गलत है। लेकिन सीमा इन सब चीजों को देख रही है, समझ रही है, वहां जहां सीमा को अच्छे अच्छे लोग भी मिले, भाई वाले लोग भी मिले, भाई बनने वाले भी लोग मिले, और प्यार करने वाले भी लोग मिले, पिता भी मिले, माता भी मिले, और परिवार, रब पूरा इतना सम्मान करता है, इतना आदर करता है, इतना दिल से चाहता है। एपी साहब एपी साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरीके से आप शायरी करते हैं, जिस तरीके से आप मानवता की बात कर रहे हैं, ये दलीलें कोर्ट में तो चलेंगे नहीं, इसके अलावा कुछ बताइए। मेरा तीखा सवाल है, लेकिन है ये सवाल, ये दलील कोर्ट में तो कोर्ट तो सबूत, मतलब देखता है, सबूत देखता है। आप शायरी भी करते हैं, आप दलीलें देते हैं, मानवता का आधार देते हैं, लेकिन मैं तीखा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तीखा सवाल सुनिए, उसका कड़वा जवाब सुनिए। पहले समाज बना,
गांव बना, दुनिया बनी, समाज बना, परिवार बना कि कोर्ट बनी? पहले समाज बना, फिर पंचायतें बनी, फिर धीरे धीरे रूप बढ़ता कोर्ट को, अंग्रेज आए, कोर्ट चले चली, तो कानून बाद में है, पहले समाज है, भावना है, मानवता है, सद्भाव है, वसुधैव कुटुंब के हक में। आशीष, चूंकि सीमा अब चली गई हैं, अगर आप सिंह साहब से कुछ पूछना चाहते तो पूछें। सिंह साहब, मेरा बार बार यही सवाल है कि आप बार बार मानवता की बात करते हैं, आप महाभारत को लेके आते हैं, लेकिन फिर से मैं यही पूछूंगा कि कोर्ट जो है सबूत दलीलें मांगेगी, ये मानवता नहीं चलेगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग मिलने आ रहे हैं, जो पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, जो झूठी पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, उनसे आप कैसे सीमा को बचाएंगे? आपको केस भी लड़ना है, आपको पब्लिसिटी करने के लिए, जो अभी मैं गली में देख रहा था, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाइक लेके आ रहे हैं, लड़के भाभी को देखना है, इस तरीके का माहौल यहाँ पर है। छोटे छोटे बच्चे, उनके स्कूलिंग के लिए आप क्या करेंगे अगर अगर नागरिकता मिल जाती है? मुझे बताइए कि आगे की जिंदगी कैसी होगी सीमा की। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा है साहब, ये महाराज जी की पुलिस नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस तो है। यहाँ पर दंगे खत्म कर दिए, माफिया राज आतंक समाप्त कर दिया, तो ये तो कोई क्या दुरुपयोग करेगा? और आप जैसे भाई वहां खड़े हैं, बस आपको आईडी हाथ में है, एक हाथ में लठ भी पकड़ा देंगे, कानून व्यवस्था भी आप बना रखेंगे, और भाई से बड़ा बहन का रक्षक कौन होता है? आप दिल से क्या चाहते हैं? सीमा को रहना चाहिए नहीं? आप दिल से बोलिएगा, एक बार बोलिएगा, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं, अरे भाई, हमने तो राखी बंधवा ली, हमने सिंह साहब, हमने तो राखी बंधवा ली है, आप बताइए। सिंह साहब, मोटे तौर पर भैया द्वीज भी होगा और अगली भी राखी बनेगी। इंडिया न्यूज बात का हिमायती रहा है सिंह साहब कोई तोड़ नहीं कि सीमा जैसी मोहब्बत बहुत कम होती होगी। अविनाशी है,